a pleasant weather outside. How are you, Anushka, darling? बुरा तो नहीं लगा मैंने आते ही आपको सीधा अनुष्का बोल दिया. डार्लिंग तो हम लोग चलते रहता है, छोटी बहन को भी बोल देते हैं. बिशर्ते बहन इसकी होनी चाहिए, किसी की भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता. हाउ आर यू रणबीर? शर्मा शर्मा तो है, मतलब भाई बहन का मतलब रिश्ता हो सकता है. नहीं कोई मूड भी बनने दिया करो कि बीच में आगे आपकी फिल्म चल रही होती हम बीच में बोलते कभी जाके. हाउ आर यू रणबीर? वेरी वेल थैंक यू. अरे ये तो अनुष्का. अरे ये तो इमरान है. ये क्या हो गया है ये? What is happening in front of my back? पहली बार आई रणवीर के साथ, अब इमरान के साथ. इनको लड़कियों को कोई पता नहीं चलता, हर फिल्म के लिए नया लड़का चाहिए इन लोगों को. हद होती किसी चीज की. पिछली बार जब रणवीर के साथ आई थी कितना उसे गोद में गिर गिर के हंस रही थी, जैसे फिल्म का हीरो नहीं बुआ का लड़का हो सका. अभी देखो तो. और सर जी आप भी तो पिछली बार कटरीना के साथ आए थे, आपको लगता होगी आप चलाको आप चीट कर रहे हो. पिछली बार उसके साथ आए थे, इस बार अनुष्का के साथ. ये दोनों आपसे भी ज्यादा बड़ी चीटर हैं. चुपचाप जाके शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आई दोनों. आजकल हो ही यही रहा है, एक फिल्म के बाद जोड़ी चेंज. कोई जमाना होता था पुराना, आपको तो पता है अर्चना मैडम. हमारे कलाकारों को तो क्रेज होना ही होना है, हमारे प्रोड्यूसरों का दिल नहीं भरा जब कोई सेलिब्रिटी आता आके बैठ जाते बीच में. दूसरा वाला कभी नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, कहीं चेक पे साइन ना मांग ले. इनका बहाना यही होता है, साइन लेना तो एक बाहर निकल जाता है. एक बार गया, फिर जब आदमी वापस चला था फिर दूसरा बाहर आता निकल गया. ये आजकल जमाना चेंज हो गया है, एक ही फिल्म के बाद जोड़ी चेंज. कोई जमाना होता था एक हीरो एक हीरोइन 25-25 फिल्में साथ में, क्यों उसके पीछे रीजन होता था, क्योंकि पूरी फिल्म में हाथ पकड़ने तक का मौका नहीं मिलता था. आजकल पहली फिल्म में किसिंग सीन क्रेज खत्म हो गए. और इमरान हाशमी का तो क्रेज इतनी जल्दी खत्म होता है, इंटरवल के बाद ही हीरोइन चेंज करनी पड़ जाती है. ये हाल है. इमरान कैसा लग रहा है बड़े बड़े टीवी कलाकारों के साथ बैठ के? खैर घर की बात है, बाद में कोई बंदा बाहर से आए बेइज्जती नहीं करते. आप दोनों हमारे सेट पे आए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी नई फिल्म आ रही है. मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ आपकी फिल्म बड़ी हिट हो. क्या नाम है? हरे हरे मटर का गजरेला? नहीं सॉरी, मटके की कुल्फी का मैंगोला. अरे इनकी फिल्म का नाम है मटरू की बिजली का मंडोला. ये देखो कॉमेडी सर्कस का टकलू बोला, तेरे को क्या बे? खैर आपकी फिल्म हिट हो बहुत. मैं आपको बताऊं, मैं हूं जोड़ी मेकर. जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी जो फिल्मी हीरोइनें होती हैं मैं उनको बिजनेसमैन लड़के ढूंढ के देता हूं. आजकल चल ही यही रहा है, वादे करती हीरो के साथ. शादी करने की वक्त आई तो डॉक्टर ने टी का मालिक, टीवी का हेड. आप कहो तो आपके लिए बिजनेसमैन लड़का ढूंढ के हूं. अनुष्का सही बिजनेसमैन बंदा, अभी उसने शुरू नहीं किया लेकिन बोल रहा है. बोलता है मैं जल्दी बिजनेस शुरू करूंगा और कॉमेडी उसने छोड़ देनी है. और देखिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, आपको सरनेम भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, शर्मा का शर्मा ही रहेगा. बहन भाई बना रही थी ना मेरे को, अब लो. और मैं आपको खुला चांस देता हूं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू आर मिसेस कपिल शर्मा. मैं खुद बोला करूंगा आई एम मिस्टर अनुष्का शर्मा. प्रायोरिटी आपको. व्हाट हैपेंड? हेलो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अनीशा पटेल. झूठ मत बोलो, वो तो सामने बैठी हुई है इधर ऑडियंस में. इधर झूठ बोल रही है आप. एक्सक्यूज मी, बकवास मत करोगे. मैं अपनी जोड़ी बनवाने आई हूँ, मुझे लड़का चाहिए बिजनेसमैन करोड़पति, विद्या बालन के हस्बैंड के जैसा हस्बैंड. एक्सप्रेशन तेरे श्रुति सेठ जैसे. पति चाहिए तेरे को विद्या बालन के पति जैसा. सुनो तुम्हारे इधर, तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक रिश्ता है. जोली? हाँ वो अपने वो नहीं, अपने महेश हट जी. हाँ उनका बेटा. फॉर राहुल हट? नहीं नहीं बड़ा बेटा पूजा हट. हेलो. वैसे भी मुझे किसी फिल्म स्टार से शादी नहीं करनी, मुझे बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैन. क्या बात, बहुत अच्छा कर रही है आज. सुनो मेरी बात, बिजनेसमैन लड़के ऐसे नहीं शादी करते. फिर उनको अपना नाम मत बताया करो, ऐसे नहीं करते वो लोग. अच्छा ठीक है, तो कटरीना कैफ चलेगा? ये तो फिर आप थप्पड़ खाने वाली बात कर रही हैं. ये क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है आप लड़की हैं, आप पे कोई हाथ नहीं उठाएगा? ठीक है हाथ नहीं उठाएंगे, पेड़ में मुक्का मारो मैं दबा के, खबरदार अगर नाम लिया तो. देखो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की भी जोड़ी बनवा सकते हो, ये झूठा है झूठा है झूठा है. व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग पॉइंट? डायलॉग बोलते समय मुंह से थूक गिर रहा है, बड़े एक्टर. अरे सुनो मेरी बात, मैंने किन किन का रिश्ता कराया क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? बताओ. उर्मिला का ले लड़का मैंने ढूंढा, लड़के ने उर्मिला को देखा, अब लड़का नहीं मिल रहा. मेरी जिंदगी में दो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक तो सलमान भाई की शादी करवा के उनकी लाइफ सेटल करानी, फिर मैं सलमान भाई को बोलूंगा भाई आपकी लाइफ सेटल हो गई, अब सोहेल भाई को बोल के मेरी भी कराओ, मेरी फिल्म शुरू कराओ. तुम सबकी लाइफ सेट कराओगे कि मेरी भी लाइफ सेट कराओगे? प्लीज मेरी भी शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ प्लीज. ठहर जाओ दो मिनट. ओके अभी कोई मुर्गा फांसता हूँ तुम्हारे लिए मैं. हेलो,
या एक बहुत बड़ी हीरोइन का रिश्ता है, सुपरस्टार है, अनुष्का शर्मा। Damn you, excuse me. ए, ये अंडे ट्री जैसा मुंह लेके ऐसे थोड़ी जाती होती है, शादी के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा का रिश्ता है जी। हाँ जी 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 जी, ओके। आपकी बेइज्जती, आपकी तारीफ। अजय भाई, मैं मसालों का हेट करने वाला लड़का। ओह माय गॉड, आप वो जो अपनी आड़ में खुद ही आते हैं। नहीं यार, मेरा वो किधर गया? तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था बे। हम लोग ऐड देखने बैठे, लड़कियां आए, तू हमारा टाइम वेस्ट करता उधर आगे। अरे देखो, मैं शादी करने के लिए आया हूँ, पैसे चाहे जितने ले लो, लेकिन आइटम एकदम झकास होना चाहिए, कड़क। सुनो, मैं तो लड़की कड़क ले आऊंगा, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रहो रहो, उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा आपका। अच्छा ठीक है, नाम क्या बताया आपने अपना? टीएच का लड़का। तो मेरे को पहचाना? मैं पागल जी का बेबी, मारा मुक्का तेरे साला पागल। ये फॉर्म भरिए जी, आपका डेट ऑफ डेथ। अरे डेट ऑफ बर्थ होता है। मेरे को पता, तुम कहां से लाओगे? उस टाइम पे तो कैलेंडर भी नहीं होते थे। पेन कहां गया मेरा? चलो इधर आओ, इधर आओ, बीपी चेक करवाओ। अबे चेक करना पड़ता है, इधर तुम्हारी शादी कर दूं, उधर स्वागरात वाले दिन बीपी बढ़ जाए। ये लो दबाओ इसको। अरे ये तो डॉक्टर दबाता है। अबे दूसरे हाथ से दबा, ये हाथ खाली क्यों है? इसमें बेसन रख लड्डू बना है। देखो चेक करो अपने, दबाओ इसको। इसके दोनों फायदे होते हैं, एक तो तुम्हारा बीपी चेक हो जाएगा, दूसरा इससे तुम्हारी कार्डियो एक्सरसाइज होएगी। अभी समारोह में तुम्हें ट्रेडमिल पे थोड़ी ना भगाएंगे, थकना होगा इसी से थक जाओगे। इधर आओ, खोलो इसको। बीपी तुम्हारा थैंक गॉड खराब ही चल रहा है। इधर आओ, सांस टेस्ट करनी है, आखिरी सांस लो। इधर आओ, लंबी सांस लो। बस 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 बस, कल भी लेनी है, बस बस। एक बात बताइए, आपकी इनकम कितनी है? 100 करोड़। 100 करोड़? हाँ। कितना बोला? 100 करोड़। एक मिनट जरा, 100 करोड़ की इनकम है आपकी? हाँ। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी में इस नाचीज का चेहरा कैसा लगा आपको? ए तू लड़का है, आतिशबाजी को एंजॉय कर, ये मत देख पटाखे को आग किसने दी, तेरे को क्या? आप बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए अंकल? मेरे को एकदम जवान हीरोइन जैसी लड़की। जवान लड़की मतलब मेरी शादी अनुष्का से करवा दो, वो जिसकी फिल्म आई थी ना बैंड बाजा बारात। अरे उसकी अगले हफ्ते फिर फिल्म आ रही है। अच्छा क्या कमाल, उसकी फिर क्या? हरे हरे ढोकले का थेपला नहीं, विद्या के बालन का उल्लाला, पता नहीं। हाँ क्या? फिल्मी छोड़ो, मेरी शादी कराओ। आपको अनुष्का से शादी करनी ना? हाँ। ये रही अनुष्का। लेकिन ये पास से अनुष्का जैसी लगती तो नहीं है? पास से नहीं लगती, दूर से लगती, वो देखो। अजय नहीं नहीं, इससे बोलो कोई डायलॉग बोल के बताए तब मानूंगा। ये तो गलत बात है फिर, एक बेचारी सरगुन, ऊपर से अनीशा पटेल, ऊपर से डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया। ये तो गलत बात हो गई। ये अनीशा पटेल है? नहीं 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 नहीं, ये घर का नाम है, घर का नाम है, घर का नाम है। आप फेरे शुरू करो, लड़की 7 फेरे लगी, आपको 3 लेने हैं। मेरे को 3 क्यों? अरे स्वागत भी तो मनाने के लिए, इधर ही थक जाओगे। चलो चलो, अरे सुनो, क्या है? सुनो एक काम करो, मैं थका हारा आदमी हूँ। हाँ? फेरे तुम ले लेना, स्वागरात में मना लूंगा। ये जो फुल स्लीव तस्मा रखा, मैं उखाड़ के मुंह में दे दूंगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मैं अनुष्का को छोड़ के इससे शादी कर लूंगा, निशा पटेल से। वाह क्या मतलब, ये अनुष्का नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ कौन नहीं झूठ बोलता आजकल के जमाने में। अर्चना मेरे को पता क्या कहती? कहती मेरी सलमान के साथ बड़ी दोस्ती है, अच्छी रोज फेसबुक पे चैट होती है। मैंने फेसबुक आईडी देखा, कटरीना की फोटो लगा के चैट करती है उससे। 3 साल से मुझे बोला जा रहा है फिल्म बन रही, फिल्म बन रही। कब बनेगी फिल्म, पूछो परमीत से। हर बार मैं सोहेल को देखती, तुम्हारा पति कौन सा रोज फिल्में बना रहा है, आती बड़ी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है कि आपकी आने वाली फिल्म इस बार में सही मटरू की बिजली का दगड़ डोला। ये मटरू की बिजली का मंडोला, जोरदार तालियां।